आज की वीडियो में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी के जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे। स्टॉक स्प्लिट का रेशियो क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर हम कंपनी का भी एक ओवरव्यू कर लेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट कर लेना। यहां आपको सभी स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है और उससे आपका पैसा बन सकता है वो टाइम से शेयर कर दी जाती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब HAL, ये एक एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1.33 लाख करोड़ का है, सो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर हम फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालें तो लास्ट 3 ईयर में कंपनी की ग्रोथ रेट 9.6% CAGR की है एंड 5 ईयर की 8.2% पर ईयर की चल रही है। वहीं प्रॉफिट जो है वो 3 ईयर का 18% ईयरली है और 5 ईयर का 14.5% ईयरली चल रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छे चल रहे हैं। होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर एंड DI की होल्डिंग कम हुई है, बट वहीं FI मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें पोजीशन काफी स्पीडली इंक्रीज करी है और वो हर क्वार्टर में इसमें बाइंग करते जा रहे हैं। कंपनी ने 1:2 में स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, दैट मीन्स एक शेयर के ऊपर आपको एक शेयर और मिल जाएगा, एक शेयर आपके 2 शेयर बन जाएंगे। इसी तरह 10 शेयर होंगे तो आपको वो 20 बन जाएंगे। क्लियर हो गया? अब शेयर डबल हो रहे हैं तो प्राइस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, सिंपल है। तो इसका प्राइस अभी चल रहा है 3867 का। लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने 58% की शानदार रिटर्न प्रोवाइड करी है अपने इन्वेस्टर्स को। स्टॉक स्प्लिट का मेन पर्पज होता है स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज करना, क्योंकि अब इसका प्राइस चल रहा है 3800 के आसपास, तो कुछ रिटेल इन्वेस्टर होंगे जिनके पास फंड कम होता है वो इस बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। बट स्टॉक स्प्लिट के बाद जब इसका प्राइस हाफ हो जाएगा ना, 1900 के आसपास हो जाएगा, तब वो इन्वेस्टर इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा देखा गया है जनरली कि स्टॉक स्प्लिट के बाद डिमांड इंक्रीज होती है क्योंकि बाइंग आ जाती है एंड शेयर प्राइस ऊपर हो जाता है। बट इसके लिए टेक्निकल देखने पड़ते हैं उस दिन के, जिस दिन स्टॉक स्प्लिट होता है, प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, वॉल्यूम कितना आया है, वो सब मैटर करता है। इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट 29 सितंबर की है, दैट मीन्स आपके अकाउंट में उस दिन शेयर होंगे तो वो आपके डबल हो जाएंगे। 28 सितंबर को जिस प्राइस पे शेयर बंद होगा ना, तो उसके अगले दिन 29 सितंबर को उसके हाफ प्राइस में ओपन होगा। ये पॉइंट नोट रखना क्योंकि सडन क्रैश होने से पैनिक की मत आ जाना। सो ये तो इस स्टॉक स्प्लिट के बारे में पूरी न्यूज है। एज एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना जिससे आने वाले वीडियोस में मुलाकात हो सके। कुछ पूछना हो आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू अपडेट के साथ। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।